राजस्थान जिला झुंझुनू उपखंड उदयपुर वाटी के गुड़ा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध करते हुए आत्मदाह करने वाले बाबूलाल सैनी की मौत हो गई। मौत के बाद मामला गंभीर हो गया। सामाजिक संगठनों के लोगों ने उपखंड उदयपुर वाटी कार्यालय के सामने तथा जयपुर के SMS अस्पताल में धरना दिया। गतिरोध के चलते शाम को जयपुर में शव का पोस्टमार्टम हो सका तथा इसके बाद रात 10:15 बजे शव उदयपुर वाटी लाया गया। इसके बाद शव को SDM कार्यालय के बाहर रखकर धरना शुरू कर दिया गया। इसके बाद धरने पर परिजन व लोग पीड़ित परिवारों को 30 लाख रुपए का मुआवजा, जमीन का पट्टा देने व सरकारी नौकरी की मांग पर अड़े रहे। साथ ही DFO व रेंजर को बर्खास्त करने की मांग की। उदयपुर वाटी में जिले भर से पुलिस बल तैनात किया गया। गुड़ा में पहाड़ी के निकट ढाणी वाली निवासी बाबूलाल ने रविवार को वन विभाग की कार्यवाही का विरोध करते हुए आत्मदाह का प्रयास किया था। गुरुवार की शाम उसकी जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद सर्व समाज के लोगों ने उपखंड कार्यालय के सामने धरना शुरू कर दिया था। वक्ताओं ने उसके परिजनों को 30 लाख रुपए मुआवजा, विवादित भूमि का पट्टा दिलवाने तथा परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दिलवाने की मांग की। और बड़ी संख्या के अंदर सुबह से हम SMS अस्पताल में बैठे हैं और SMS अस्पताल में हम लोग राजस्थान की सरकार से मांग कर रहे हैं कि मृतक बाबूलाल के परिजनों को मुआवजा दिया जाए, मृतक बाबूलाल की पत्नी को नौकरी दी जाए और बेघर हुए बाबूलाल का आशियाना फिर से बसाया जाए, इसका पुख्ता प्रबंध के लिए एक पट्टा आवंटित किया जाए। इसी के साथ में दोषी जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके खिलाफ संगीन धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज कर उनको गिरफ्तार किया जाए, ये सारी मांगे हैं। दूसरी मेरी मांग है राजस्थान की सरकार से, जिस प्रकार से उत्तराखंड, हिमाचल और हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर जिस प्रकार से लोग बसे हुए हैं जंगलों के अंदर और उनको पट्टे आवंटित करने की प्रक्रिया है, और जिस प्रकार से उत्तराचल में, उत्तराखंड में जो लोग बसे हुए हैं वहाँ की सरकारें उन्हें पट्टे देती है, उस प्रकार से राजस्थान के अंदर भी सरकार को पट्टे दिए जाने चाहिए। क्योंकि गुड़ापुंग के अंदर 40% लोग वन क्षेत्र में रहते हैं, वर्षों से पीढ़ियों से बसे हुए हैं, उन लोगों को नियमन करने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। और बाबूलाल के साथ जो हुआ है वो घोर अन्याय है और इसको लेके हम उदयपुर वाटी उपखंड के ऊपर इसकी डेड बॉडी को लेके जा रहे हैं और वहाँ पर हमारे सम्माननीय अधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम आग्रह करेंगे और मीडिया के माध्यम से कि हमारी बात को अनसुनी नहीं करें और हमारी बात अगर देर रात्रि तक नहीं मानी गई तो कल से हम सब रखकर फिर बड़ा आंदोलन करेंगे और वो आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। देखो, बाबूलाल ने जो आत्महत्या की है वन विभाग के अधिकारियों के दबाव में आकर की है। बाबूलाल को जब 90 में ज़मीन अलॉट कर दी गई, जो सरकारी ज़मीन थी वो उसको अलॉट कर दी विभाग ने, तो उसके बावजूद वो वन विभाग के अधिकारी वहाँ गए क्यों? ये उदयपुर वाटी में जो ऐसी घटनाएं होती है, नाजायज लोगों को परेशान किया जा रहा है। जिसका कब्जा हटाना चाहिए उसका कोई हटा नहीं रहा और नाजायज लोगों को, जिसकी खुद की ज़मीन है, खुद का कब्जा, इंदिरा आवास में मकान बने हुए हैं, BPL परिवार है, उसको वहाँ से हटाया जा रहा है। उसके बाद जब शाम को जनता को पता चला कि उसकी मृत्यु हो चुकी है तो उसके बाद में उदयपुर वाटी की पूरी जनता में इतना आक्रोश है कि आज हज़ारों की संख्या में सुबह बिना किसी डेथ बॉडी के पहुँचे भी लोग संगठित हो गए और ऐसा लगता है कि अगर डेथ बॉडी पहुँच गई तो उदयपुर वाटी की जनता का जो उबाल है वो समझ में नहीं आएगा प्रशासन के, क्योंकि प्रशासन ने जो बाबूलाल के साथ अन्याय की है किसी ने भी अभी तक ये दिमाग नहीं लगाया कि बाबूलाल को वहाँ से क्यों हटाया जा रहा है, जो उसकी खुद की ज़मीन है, इंदिरा आवास में मकान बने हैं, BPL परिवार का आदमी है, 90 से उसके पास ज़मीन है, और अभी खुद के घर से आपको हटाने के लिए किसने अधिकार दिया? मत हम तो यही मांगे रेंजर को, रेंजर और जो DFO हैं उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और उनको जो भी 304B की यानी प्रताड़ित करने की जो धारा है, जैसे 20 आदमी उनके साथ थे, सबको मुकदमा दर्ज करके उनके गिरफ्तार किया जाए। अगर एक भी सिपाही उनमें से भला होता, इंसानियत का शर्मसार नहीं करने वाला था तो बाबूलाल बच सकता था। उसके बावजूद भी 10% उसकी खुद की पत्नी ने जाकर के उसको बचाया। क्या उन लोगों को इतनी 20 आदमी जो गए थे और वो नाजायज कब्जा हटाने गए थे वहाँ, क्या एक भी आदमी के अंदर ऐसी कोई इंसानियत नहीं थी कि उसको कम से कम बचाते? तो जनता में बहुत भारी आक्रोश है, क्यों कि एक नाजायज एक इंसान के साथ में हो रहा है। उदयपुर वाटी की जनता चाहती है कि कल किसी दूसरे कोई और बाबूलाल नहीं मिले, इसके लिए प्रशासन को सबक मिलना बहुत जरूरी है और इन अधिकारियों को भी सस्पेंड करना बहुत जरूरी है। देखिए, सुबह से तय हुआ था कि पोस्टमार्टम होने से पहले सरकार को निर्णय करेगा,
बड़े दुर्भाग्य साथ के साथ और बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि सरकार के काम तो कोई जू रही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति हमारा है, इस बात का ध्यान भी हमें रखना है। इसलिए हमने पास पोस्टमार्टम का परिवार के जनों को निर्णय कर लिया और हम इस बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के बाद उसे पुराड़ी उपखंड में SDM ऑफिस के सामने रखेंगे, धरना देंगे और हमारी जो मांगे पहले से तय हैं इनको मुआवजा दिया जाए, 20 लाख रुपया सरकारी नौकरी उसके वारिसान को दी जाए, वो जमीन जिसके की वजह से ये सारा घटना घटी है उसका पट्टा दिलाया जाए, वो लोग इस आत्महत्या को करने के लिए मजबूर जिन्होंने किया वो चाहे अधिकारी हैं और चाहे कोई जनप्रतिनिधि है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना ही चाहिए। क्योंकि सारे अधिकारियों ने माना है कि हमको किसी क्षेत्रीय विधायक ने दबाव में डाकर ऐसा किया, अब विधायक ने जब ऐसा करने विधायक के कहने से जो ऐसा कर रहे हैं तो वो दोषी हैं कि विधायक दोषी है, इस बात के लिए जो दोषी